तो गाइस बहुत दिनों के बाद आज ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और ये ब्लॉग स्टार्ट हमारे खेतों से और आज मेजरमेंट करने वाले हैं या कह लो कि माइलेज लेने वाले हैं। माइलेज इसका लेंगे कोटा का MU 5502 4x4। इसका माइलेज हमने रोड पे बताया था कितना देता है। अब बताना है ऐसे खेत में कि ऐसे जो खेत हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ये नालियाँ बन गई हैं कंपाइन से, इस खेत में कितना एवरेज देता है। इस मिट्टी की खासा बता दूँ कि यहाँ पर अगर 4x2 का ट्रैक्टर है तो उसे घंटों लगते हैं, घंटों मतलब एक जगह फंस गया तो बस एक ही जगह घूम रहा है, ठीक है। तो ये मान के चलना कि अगर आप कदर कर रहे हो एक नॉर्मल खेत में उससे ज़्यादा ही तेल खाएगा इसमें, ठीक है। उस हिसाब से मान के चलना, फिर भी निकालते हैं। टैंक हमने फुल कर दिया है इसका, नॉन स्टॉप करेंगे आधे घंटे का, जिससे कि हमें सही माप मिले कि कितना माइलेज दे रहा है। बीच में वीडियो कट नहीं करेंगे, ठीक है। आधे घंटे की वीडियो लंबी हो जाएगी, वीडियो थोड़ा तेज़ कर देंगे बीच में, लेकिन पूरा माप निकाल के बताते हैं आपको कि ये 6 खाता है, 10 खाता है, 15 खाता है, 20 खाता है, कितने लीटर खाता है, सारे औकात आज इसकी पता लग जाएगी। भाई दाढ़ी वाड़ी मैंने कटवा ली है तो भाई भूलना मत, पहचान लेना द यूपी वाइज राइडर इधर है भाई। खींचो अरे यार जे टंकी की चाबी खुल गया भाई, ढक्कन जे इतना गर्म ना है कि मतलब हाथ जला दे इतना चलने के बाद। बिल्कुल टैंक इसका फुल करेंगे अभी, जरा चलो अरे वहीं से पड़ जाए यार। निकल गो यार, रुको यार, भाई टैंक भर गया ऊपर तक। हेलो यू ट्रैक्टर, अब ना आएगा। हेलो यू यार, नीचे उतर के हिलाओ। बस पूरा टैंक फुल है, खर्चे तो निकाल रहे हैं। चलोगे भाई? 2:48 हो रहे हैं, देखो दिख रहे हैं, हाँ 2:48 हो रहे हैं। हाँ टंकी फुल कर दी पूरी, आधे घंटे में निकाल के देख लेंगे। एक घंटे में निकालना, एक घंटे में निकालें, एक घंटे में तो कैमरा बंद हो जाएगा, हीट हो के बहुत गर्मी है। आधे घंटे में निकल तो जाएगा, आधे घंटे में निकाल लो पता लग जाएगा। हाँ चलो भैया स्टार्ट करो। 2000 RPM है, 2000 पे सब निकल जाता है उसमें। हाँ हाँ उसी में आ जाएगा सब लिख के, नहीं डालना पड़ेगा टाइम देखते रहोगे। टाइम इसमें देख लिया, ये वीडियो बन रही है, घुमा के ना इधर को ले एक बार। दो बज के 49 मिनट, चलो 2:49 पे स्टार्ट हो गया भाई, और आधा घंटा होगा लगभग 2:50 मान लो, तो मतलब 3:20, 3:19 पे देखते हैं, ठीक है। 4x4 में चल रहा है भैया कुबोटा, अब आप सोच रहे हो इसका मतलब कैसे करके एवरेज निकालेंगे। देखो हमारे पास एक केन रखी है, हमारे पास केन थी, ये कहाँ है, ट्रैक्टर चल रहा है सामने उसे चलने दो, क्योंकि आधे घंटा में, आधे घंटा होने में समय लगेगा, तब तक और बकचोदियाँ कर लेते हैं यार। यहाँ पे केन रखी थी, केन कौन ले गया, चलो कोई ना कोई ले गया होगा केन, अभी आ जाएगी जब लास्ट में।
देखो उस पर लीटर लिखे हुए हैं, 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर ऐसे लीटर लिखे हुए हैं, उसके हिसाब से देख लेंगे। मान लिया आधे घंटे में इसने ट्रैक्टर ने जितना भी तेल खाया, जितना इस टंकी में फुल होने में तेल आया, उसका डबल लगा लो, घंटे में इतना तेल मार रहा है, ठीक है, सिंपल। और अभी इसमें पानी ठीक है तो ट्रैक्टर वाल का फ्री चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ही फ्री चल रहा है। और कैमरे के ऊपर डिपेंड करता भाई ये कब तक इस गर्मी को झेल पाता है। अभी फ़िलहाल मैं ठंड में खड़ा हूँ मैं, और मौसम ठंडा है यहाँ का। कुबोटा का माइलेज निकाल रहे हैं भाई आज, MU 5502। बहुत सारे मिथ हैं इसके पीछे, कोई कहता है भैया ये 6 लीटर खाता, कोई 8 लीटर बताता, कोई 10 बता देता है, कोई कहता है ये सूंघता है। तो भाई सब पता लग जाएगा आज कि सूंघ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, क्या कर रहा है। 4x4 गियर पड़ा हुआ है और 2000 RPM पे चल रहा है। इस कैमरे को मैं यही खड़ा कर देता हूँ भाई, कहाँ तक पकड़ूंगा ऐसे। नहीं इधर तो गर्म पड़ जाएगा, इधर ही सही है। गर्म ऑलरेडी पड़ा, अगर गर्म पड़ जाएगा मोबाइल का यूज़ कर लूँगा मैं, टाइम के अनुसार देख के देख लेंगे, ठीक है। अगर हीट कर जाता है, गर्मी बहुत हो रही है ना, कोई भी कैमरा हीट कर जाएगा इस समय। भाई मेजरमेंट चालू हो गया है, देखो इंस्टा 360 में चल रहा है काम। 5 मिनट हो गए हैं ट्रैक्टर को चलते चलते, 2000 RPM पे चल रहा है, सामने चल रहा है कुबोटा MU 5502। इसका आज माइलेज निकल रहा है, इसकी आज पोल खुल जाएगी भैया। कहाँ जा रहे हो कैमरामैन, कहाँ जा रहे हो? अभी 5 मिनट 37 सेकंड हुए हैं, चलने देते हैं। अगर ये वाला कैमरा हमारा हीट करता है तो मोबाइल यूज़ कर लेंगे, ठीक है। गए जागन, तेल यहीं पर रखो सब, इस्तेमाल नहीं भाई, अभी आप मीटर लिखे देते, इसको लीटर लिखे हुए हैं, देखो है लीटर, देखो 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, जिससे पता लग जाए ना कितना लीटर तेल आ गया इसमें ट्रैक्टर में। आधे घंटे में 3 आएगा तो 6 खा रहा है, 4 आएगा तो 8 मार रहा है जी घंटे पे। गर्मी ना आ जाए यार, गर्मी आई तो कैमरा बंद ही है। छः मिनट ठीक है, तो पिया भर कर लाने, बड़ी परिवारी ना
हाँ जाए बल्ले की 4 लीटर की है, 5 लीटर को कट कहाँ जाऊँ चार ये यहाँ का 5 आ गए अरे ना अरे हाँ 4 लीटर ये है था आता थी 5 यहाँ है इनके 5 आ गए ना पूरा यहाँ कट तो ना लोगों को 4:30 जाना है हाँ तो 4:30 ही करिए 4:30 ही करिए टंकी खुले पूरी फुल अभी करिए गिल्ला वाला जितना तेल खाए तो जो आ जाए एवरेज आना ही लेकर के जितना तो पड़ जाए बड़ी वाली पिपिया में ले जाए 7-8 7 लीटर लगभग 7 लीटर का खाए मतलब 4-5 लीटर ले ये हद में 10 लीटर मार दे मारे भाई 5-6-7 ही ट्रैक्टर चल रहा है भाई सामने वीडियो नहीं रोकी है यार कैमरा गर्म हो रहा है बहुत पत्ते लगा ले रहा हूँ उसके पीछे ऐसे दस मिनट हो गए भाई इसमें स्टोरेज का इशू आ गया तुरंत ठीक है गॉट इट कर दो इसको कर देते हैं बंद ठीक 10 मिनट की रिकॉर्डिंग इसमें हो गई है अभी वीडियो कंटिन्यू है ठीक है कैसे लौट आए
तीन बज के आठ मिनट हो गए। ठीक है, कितने पे चालू करा था? 2:49। मैं इस गाड़ी पे बैठ जाता हूँ, यहाँ पे मैं भाई बाइक पे बैठ गया हूँ। सामने से हल्के फुल्के पेड़ आ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ट्रैक्टर ऐसा दिखना चाहिए कि यहाँ चल रहा है, ये नहीं कि ट्रैक्टर रोक दिया, तेल निकाल लिया और फर्जी में दिखा दिया कि हमारा इतने घंटे हो गए ट्रैक्टर इतना कम तेल खा रहा है। भाई कंपनी से मुझे कोई पैसे थोड़ी मिल रहे हैं प्रमोशन करने के फ्री में। मैं तो माइलेज निकाल के दिखाऊंगा, भले ही 10 का आएगा 10 दिखाऊंगा मैं, मेरी जेब से क्या जा रहा। भाई किसानों का फ़ायदा होना चाहिए, क्या पता लगा किसान यहाँ पे पैसे डाल दे 11 लाख रुपये। महंगा ट्रैक्टर है भाई, देखते हैं भाई क्या इसका रिजल्ट आता है, हमने खुद नहीं नाप के देखा आज तक। हाँ भाई कैमरामैन, क्या हाल चाल है आपके? हमारे सही हाल चाल कहाँ पर सही हाल चाल है। बताओ कितना तेल खा सकता है जी, कितनी एवरेज आ सकती है माइलेज, कितना तेल खा सकता है घंटे पे? घंटा में तो 5-6 लीटर तो मारे कोई 5-6 लीटर। हाँ इतना बड़ा ट्रैक्टर 5-6 लीटर खाएगा लोड पे, तो जितनी नॉज लगाऊंगा इतनी तो खाएगा। भाई ये कह रहे हैं जितनी नॉजल हो उतनी ज़्यादा खा ले वो। नॉजल वोजल का क्या हिसाब है? मतलब नॉजल मतलब सिलेंडर। रख दो, वहीं आ जाए।
18 ही का वहीं रख दो, यहाँ था आ जाए। ही ले होता ही अब भाई, एक मिनट यहीं घुमा लो ऊपर में, यहीं पे यहीं पे होगा होगा। रुकियो रुकियो रुकियो, हो गए भाई 3:19 हो गए, बंद कर दो बंद, पानी वानी पी लो, 2:49 पे चलाओ, 3:19 हो गए, आधे घंटा ही को 11:19:30 हो गए। चलो भाई लाओ तेल लेके आओ जरा भाई, ट्रैक्टर आ गया, पूरे आधे घंटे चल गए, 30 मिनट चल के आया, अब देखते जरा कितना तेल खाता है। किसमें डालोगे, इसमें थोड़ी, इसमें पड़ेगा छोटी वाली में, इसमें लीटर लिखे हुए हैं। रुको अभी मैं पकड़ता हूँ, कैमरा रख दिया। हाँ इसमें इसमें डालो तेल, इसमें लीटर लिखे हुए हैं ना, देखो जी अभी दिखाता हूँ लीटर, इस पर पहले तेल डालो तुम इसमें। अरे पूरी फुल है ये तो यार, रुक जाओ यार, 3.5 लीटर आ गया, जो दो जो कटे 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 3.5 है, बिल्कुल 4 3.5 रहने, 3.5 ही डालो, पर जाए इतना ही खा पाओगे, इतना खाओगे। हाँ क्योंकि एक घंटा में 7 लीटर खा रहे हो तो आधे घंटे को 3.5 ले रहे हो, डाल के देख, 3.5 लीटर पूरा है भाई, देखो दोबारा दिखा दो, देखो 3.5 लीटर पूरा है जी। बताओ भाई जागरण सेठ, तुम कह रहे 5 लीटर खा रहे हुए, जो इतना बड़ा हाथी 5 लीटर तेल खाए, अभी पता लग गया 8 मार रहे 10 मार रहे अभी पता लग गई। कम है पता लग गया, मेरा दूध का दूध पानी का पानी हो गया, अभी देखो जे 3.5 लीटर खत्म ही, देखो इधर देखो 7 लीटर मार दिया इसने, रुक जाओ अभी भर लो पूरी, जाकर हिल गई जरा, हिला हिला के डालो तुमने, एक फिर हिला लो, 7 लीटर ही तेल मार रहा, 7 लीटर ही तेल मार रहा है भाई, और हिलाओ बस गया, 7 लीटर से भी कमी मार रहे हो, ज्यादा ना मार रहे हो, देखें कितना रह गया अभी, 100 ग्राम तेल भाई, देखो तेल इतना ही फुल करके डाला था, और इसमें कितना है, 100 ग्राम नहीं 500 ग्राम है, 1/2 लीटर आधा लीटर तेल है इसमें भी, ये देखो ये हिल गया, देखो 1/2 लीटर से नीचे है लगभग 300 ग्राम, कई दफा थोड़ा दबका चलता है ट्रैक्टर, कई दफा वैसे 7 लीटर मान के चलो, 7 लीटर घंटे पे मार रही है, प्योर एवरेज है बिल्कुल। चलो भाई जागन सेठ, प्योर एवरेज निकल के आ गई आज, जब और जबकि मिट्टी इतनी बेकार वाली है, अगर गेहूं का खेत हो तो कम खाएगा जी, कम खाएगा, मिट्टी देख रहे हो कौन सी मिट्टी, झादे की मिट्टी है, कंपाइन की लाइन पड़ी हुई है पूरी, गेहूं के खेत में कम खाएगा, हाँ तब तो बहुत कम तेल खाया इसने, तुम्हारे ट्रैक्टर ने 7 लीटर तेल खाया, और 4x4 में चल लिया जी, 10 लीटर से कम ना मारे, एक थोड़ा ये कह लो कि ये छोटा है इसके सामने, हाँ ये 7 फीट ही है, कम से कम 9 फीट होता जी, 8 या 9 होता तो ये 7 से ऊपर मारता फिर, 7 फिटी रूटर पे इसने तेल मारा है 3.5 लीटर आधे घंटे में, मतलब 7 लीटर सही मारा है फिर तो, ये 7 लीटर तो सही है,
चलो भाई, जो आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। कोई कह रहा कि सूंघता है, कोई कह रहा डकारता। भाई डकारता सूंघता नहीं है, घंटे में 7 लीटर मार रहा है। 300 ग्राम कमी, 300 ग्राम बाकी रह गया उसमें, 7 लीटर से कमी है। हाँ यार, जे जे है निशान, देखो जे महेंद्र हाथ लगा दे नीचे वाले निशान पे, 1 लीटर से नीचे वाली उंगली लगी है। जे है तेल, 1/2 लीटर तेल है इसमें, 3 लीटर, 3.5 उसके हिसाब से तो, इसके हिसाब से तो 6 लीटर मारा है इसने तेल। 7 फिटी का रूटर है भाई, 6 लीटर तेल, 7 फिटी का रूटर और ऐसा गधेर 30 मिनट में और 3 लीटर 100 ग्राम तेल मार दिया लगभग। उसमें तेल है अभी, हमने एवरेज लगाई थी तो उसमें तेल नहीं देखा। उसमें जो कैन है हमारी 3.5 लीटर वाली, उसमें लगभग 500 ग्राम तेल रह गया। तो मतलब 6 लीटर का एवरेज आई है माइलेज, सॉरी 6 लीटर की माइलेज दे रहा है ये कुबोटा 4x4 MU 5502 6 लीटर पर घंटे। मैं मानता हूँ कि अगर 7 फिटी का रूटर थोड़ा छोटा है, 8 या 9 फिटी का लगा लोगे तो 7 का दे देगा बस, 7 से ऊपर का नहीं मारने का। और इतने लोड पे 4x4 और ऐसे खेतों में 7 लीटर का तेल मारा है, इतना बड़ा ट्रैक्टर तो सही तेल है, वरना और महेंद्रा महेंद्रा डकार जाते हैं भाई, 8-8, 9-9 मार देते हैं ट्रैक्टर। तो भाई ये वाला ब्लॉग कर रहे हैं यहीं पे एंड, पता लग गया आपको, बिल्कुल जेन्युइन और प्योर वीडियो है एकदम, तेल आपको दिखा दिया है। हाँ भाई, ये देखो क्या कर रहे हैं आप। तो गाइस गर्मी हो रही है बहुत, सीना फाड़ पसीना फाड़ गर्मी हो रही है भाई, कि आदमी की हालत ख़राब हो जाए। ट्रैक्टर ने तेल बहुत कम खाया और अभी एवरेज निकाल के देख रहे हैं ना, कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा सा। 3.5 लीटर की कैन थी और 3.5 लीटर में लगभग 500 ग्राम तेल रह गया, तो 3 लीटर 500 नहीं 400 होगा, 3 लीटर 100 ग्राम तेल मारा है लगभग, 6 लीटर 6.25 लीटर तेल मार रहा है घंटे का, 7 फिटी के रूटर के साथ, तो अच्छा तेल मार रहा है और इससे कम क्या ही मारेगा भाई। तो ये वाला ब्लॉग कर रहे हैं भाई यहीं पे एंड। कुबोटा किसी को लेना है तो ले सकता है भाई, ये 4x4 MU 5502 है, इससे छोटा मॉडल लोगे तो इससे भी कम तेल खाता है वो, ठीक है। और ये 4x4 में चल रहा था तो लगा लो कि लगभग ये 6 का खा रहा है तो वो लगभग 4.5-5 लीटर का तेल मारेगा ऐसे छोटा मॉडल। तो मतलब खपत के बात की जाए, तेल की बात की जाए तो सबसे किफ़ायती ट्रैक्टर है। इसमें एक ही कमी है कि इसका प्राइस अदर ट्रैक्टर से ज़्यादा है, इसका रेट थोड़ा ज़्यादा है, जो और ट्रैक्टर मार्केट में है इतने HP में उनसे रेट ज़्यादा है, लेकिन इसमें टूट फूट बहुत कम है और माइलेज बहुत अच्छी है। तो ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करना गाइस, आपने पूरा वीडियो में देख लिया कितना एवरेज दे रहा है, कितना माइलेज दे रहा है, कितने फिटी पे चल रहा है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।